क्या आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? मैंने इंग्लिश ग्रामर सीखी, बहुत ढेर सारे रूल्स सीखे, मैंने वोकैबुलरी सीखी, टेंसेस सीखे। अब मुझे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है और मेरे पास कोई पार्टनर ही नहीं है, तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है। उसमें दो कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं। पहले मैं दोनों ही कैरेक्टर के जो डायलॉग्स हैं वो आपको बता दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या कहना है। मैं अपने डायलॉग्स बोलूंगी और सेकंड कैरेक्टर के डायलॉग्स आप पढ़ दीजिएगा मेरे लिए, और थोड़ा लाउड वॉइस में पढ़िएगा प्लीज। और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर के डायलॉग्स मैं पढ़ूंगी और फर्स्ट कैरेक्टर के डायलॉग्स आप पढ़ दीजिएगा। बस इतनी सी ही बात है, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। मैनेजर और पूजा, जो उनकी एम्प्लॉय है, उनके बीच बातचीत हो रही है। मैं आपको इंग्लिश के जो भी स्क्रिप्ट है वो पढ़ के सुना देती हूँ। हिंदी आपको लिखी हुई दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैनेजर: पूजा, आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज यू आर नॉट टेकिंग जॉब सीरियसली। पूजा: नो सर, इट्स नथिंग लाइक दैट। इन फैक्ट सर, आई एम प्रीटी डिस्टर्ब दीज डेज, आई हैव सर्टेन फैमिली इश्यूज। मैनेजर: पूजा, यू हैव ऑलवेज बीन अ स्टार परफॉर्मर, आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल इश्यूज। पूजा: सर, आई प्रोमिस टू कंटिन्यू माई गुड वर्क, बट सर आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैनेजर: टेल मी। पूजा: सर, आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड गेट फ्यू डेज लीव। मैनेजर: हाउ मैनी डेज यू नीड? पूजा: सर, एटलीस्ट अ वीक। मैनेजर: दो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट विदाउट यू, बिकॉज बिनीता एंड अंजलि आर ऑलरेडी ऑन लीव, बट आई थिंक यू हैव अ जेन्युइन रीजन, आई विल मैनेज। पूजा: सर, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैनेजर: पूजा, लेट मी सजेस्ट यू समथिंग। सी, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स डैट वी फेस इन लाइफ, बट वी आर ऑलवेज हैविंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी ऑफ एनी काइंड, पर्सनल और प्रोफेशनल। वी नीड टू मैनेज देम टूगेदर विदाउट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेस इन वन अनदर। पूजा: I know. Manager: I understand that our family issues do disturb our professional life, but managing both simultaneously is an art. Pooja: I agree, sir. Your suggestions are always worthy. Manager: This is nothing but my experience of 50 years. Pooja: Sir, are you 50 years old? मैनेजर: आई एम रेदर 60। पूजा: आई कॉन्ट बिलीव इट सर, यू डोंट लुक लाइक। मैनेजर: बट आई एम। पूजा: एनी वे सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैनेजर: गो सॉर्ट आउट द इश्यूज एंड कम बैक विथ सेम एनर्जी। पूजा: श्योर सर, थैंक्स। सो फ्रेंड्स, आपने दोनों ही कैरेक्टर के डायलॉग्स जो हैं वो सुन लिए हैं। अब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं मैनेजर के डायलॉग्स बोलूंगी और आप पूजा के बोलिएगा, और इसके बाद वाले पार्ट में आप मैनेजर बन जाइएगा, मैं पूजा बन जाऊंगी। सिंपल, और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए। पूजा, आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज यू आर नॉट टेकिंग जॉब सीरियसली। पूजा, यू हैव ऑलवेज बीन अ स्टार परफॉर्मर, आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल इश्यूज। टेल मी। हाउ मैनी डेज यू नीड? Though it is going to be difficult without you, because Binita and Anjali are already on leave, but I think you have a genuine reason. I will manage.
पूजा, लेट मी सजेस्ट यू समथिंग. सी, देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स डैट वी फेस इन लाइफ, बट वी आर ऑलवेज हैविंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू. रिस्पॉन्सिबिलिटीज मे बी ऑफ एनी काइंड, पर्सनल और प्रोफेशनल. वी नीड टू मैनेज देम टूगेदर विदाउट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेस इन वन अनदर. आई अंडरस्टैंड डैट आर फैमिली इशूज डू डिस्टर्ब आर प्रोफेशनल लाइफ, बट मैनेजिंग बोथ साइमल्टेनियसली इज एन आर्ट. दिस इज नथिंग बट माई एक्सपीरियंस ऑफ 50 years. आई एम रैदर 60, बट आई एम गो सॉर्ट आउट द इश्यूज एंड कम बैक विथ सेम एनर्जी. तो एक बार तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है, और इस बार बनेंगे आप मैनेजर और मैं बनूंगी पूजा. लेट अस स्टार्ट. नो सर, इट्स नथिंग लाइक दैट. इन फैक्ट सर, आई एम प्रीटी डिस्टर्ब दीज डेज. आई हैव सर्टेन फैमिली इश्यूज. Sir, I promise to continue my good work, but sir, I have a request. Sir, I was thinking if I could get few days leave. Sir, at least a week. Sir, I'll be very thankful to you. I know. I agree, sir. Your suggestions are always worthy. Sir, are you 50 years old? I can't believe it, sir. You don't look like. Anyway, sir, thank you so much once again. Sure, sir. Thanks. So, friends, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर. अगर खराब लगा हो तो भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.